एवरीवन वुड हैव चीयर्ड फॉर इंडिया बिकॉज पाकिस्तानी फैंस को तो वीज़ा ही नहीं मिला था कि वो वहाँ जा सकते. बट नॉट सपोर्टिंग अ टीम एंड डॉन्टिंग अ टीम आर टू डिफरेंट थिंग्स. कि आप उनके ऊपर जिस तरह अब्यूजिव चैंट्स कर रहे थे, दैट वॉज समथिंग दैट मेरा ख्याल से एवरी वन शुड कंडेम. जब टॉस हुआ और बाबर के ऊपर बूइंग हुई शायद उस वक्त, बिकॉज आई रिमेंबर कि जब स्मिथ वापस आए थे सैंड पेपर इशू के बाद और जब उनके ऊपर बू किया गया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, सो विराट कोहली ने सबको चुप करवाया था. विराट कोहली ने अपने क्राउड से रिक्वेस्ट की थी कि नॉट टू मिसबिहेव विद हिम. सो कल मेरा ख्याल से शायद उस वक्त सेंटर में रोहित थे, मे बी उसका एक जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता फॉर हिम टू जस्ट टर्न बैक एंड टेल हिज पीपल नॉट टू डू दैट. बट ये सारी चीज़ें, इट एड्स अप टू द प्रेशर, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक ये हम एक्सक्यूज़ नहीं लेना चाहिए. बिल्कुल ठीक है, हम प्रोफेशनल टीम हैं और अपने मुल्क के लिए खेलने गए हुए हैं. मुझे याद है कि जब हम वर्ल्ड कप में या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेलने जाते थे ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड सीरीज़ हुआ करती थी उस वक्त, तो वसीम भाई को, इमरान भाई को, वकार को, जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर थे, सईद भाई को, इनको बड़ी टाउंटिंग किया जाता था. ड्रेस ग्राउंड से ऐसी सी आवाज़ें आती थी, वो मैं अब अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता, मतलब ऐसे अब्यूजिंग वर्ड होते थे. बट यू नो यू हैव टू बीट देम विद योर परफॉर्मेंस, सिंपल इज दैट. आपने ये डिस्ट्रक्शन अपने माइंड से परे करनी होती है. अगर चार बंदे मुझे मिल के और मुझे थोड़ा सा हुड करते हैं या मुझे अंडरमाइंड करने की कोशिश करते हैं तो और मैं हो जाता हूँ तो ये तो मैं वीक लिंक हूँ ना. तो ये एक्सक्यूज़ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनका क्राउड है, होम क्राउड है, अगर पाकिस्तान में इंडिया आएगी तो पाकिस्तान के सारे फैन अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे. ये तो हो ही नहीं सकता. और टॉन्टिंग है, बिलो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. बाकी आप जितना मर्जी अब्यूज़ करें, आप जितना मर्जी आप छेड़ें, जो मर्जी आप आवाज़ें लगाएं, अंडर द बेल्ट जो बात होती है ना, वो आपको हर्ट करती है, वो आपके इमोशंस को ख़राब करती है. क्योंकि जितना मर्जी बंदा हो, टेम्परामेंट बंदे का ख़राब हो जाता है. यू नो यू बिकम अग्रेसिव और आप अपनी गेम से हट के, जो मैं कहता हूँ ना कनेक्ट, जो आपका कनेक्शन होता है गेम से, वो डिसकनेक्ट होके तो यू जस्ट ट्राइंग टू प्रूव देम, आप वापस उनको अब्यूज़ करने लग जाते हो. फिर दोनों एक बुरे में, एक बुरा जब बंदा आपको बुरा बनाने की कोशिश करता है और आप बन जाते हो, फिर दोनों में फ़र्क ख़त्म हो जाता है. सो आई थिंक दैट वॉज एक्सक्यूज. हमारी तरफ से ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए. वी डिडंट प्ले गुड क्रिकेट, एज सिंपल इज दैट. हम ये एक्सक्यूज़ नहीं बनाते. हमारे पास बड़े मैचेस पड़े हैं, हमारी टीम अच्छा खेल सकती है, बट सिंपल करें, ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी. वी डिड नॉट प्ले अ गुड मैच यस्टरडे, इट हैपेंस. हम अच्छा मैच नहीं खेले, बिल्कुल हम इस बात के ऊपर तो हर भी बात कर रहा है. लेकिन जिस तरीके से क्राउड का बिहेवियर, अभी मुशीबा ने बड़ी डिटेल से इस पर बात की है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं ये चीज़ असरअंदाज होती है. क्योंकि हमने किंजी भाई का भी इंसिडेंट देखा था जिस पर वो गुस्से में आ गए थे और उन्होंने रिएक्शन दिया था क्राउड के ऊपर. ठीक है, उन्होंने तो बैट से मारा, उन्होंने बैट से, मतलब एक रिएक्शन आता है. देखें, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर गुस्सा भी है और ये हमारी टीम, हम इस चीज़ को अगर माइंड में रखें, नई टीम है, नए लड़के हैं ज़्यादातर. रिजवान स्ट्रॉन्ग नर्व्स का है, रिजवान ने और बाबर ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई. लेकिन उसके बाद जब साउथ आया, साउथ क्लूलेस था और साउथ, हम ये कह सकते हैं कि अभी वो रेडी नहीं था स्टेज के लिए और वहाँ पर चले गए, ये भी एक एंगल निकलता है इसमें. तो क्या अब ये चीज़ असरअंदाज नहीं होती, अगर 4 या 400 4 हज़ार नहीं कि 1,30,000 लोग थे और जिस तरीके की गालम गलोच की जा रही थी, ये कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट डालती होगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुशी भाई ने जिस तरह एक्सप्लेन किया, मेरा नहीं ख्याल कि अब आगे कोई बात हो सकती है इस पे. ये तो अब ऐसी बात लंबी हुई है और बात है, लेकिन कुछ रह नहीं गया. क्योंकि सिंपल बात है, एक्सक्यूज़ नहीं है. हम सब प्रोफेशनल हैं और कोई पहला मैच खेल रहा है या आखिरी मैच खेल रहा है, जब आप कहीं इंडिया जाएंगे तो यही होगा, ये होना है आपके साथ. वो अपनी कंट्री को वो सपोर्ट कर रहे हैं. अब उनको, जैसे मुशी भाई ने कहा था, बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए. बाकी आप जो मर्जी करें, आपको ऑस्ट्रेलिया वाली मिसाल दी, हमारे साथ भी होता था वहाँ. मैं ऑस्ट्रेलिया खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच, डेब्यू नहीं था मेरा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खिलाफ पहला टेस्ट मैच था पेशावर में, वो पूरी टीम मुझे अब्यूज़ कर रही थी. खेलना है, मैं आउट हो गया. ठीक है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सका, मैं आउट हो गया. ओके, लेकिन इसकी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मैं इस वजह से आउट हुआ था जी. बट इसका यानी कि प्रेशर कहीं ना कहीं चीज़ असरअंदाज होती है ना, लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते. मैं बाहर आया तो मैंने ये थोड़ी कहा मुझे सारे गालियाँ देने थे, मैं इसलिए आउट हो गया. नहीं, मैंने बाद में अपने आप को वो किया, क्या नाम है, रीबिल्ड किया कि यार ये तो होना है हमारे साथ. हमारी यूसुफ, सॉरी टू कट यू यूसुफ, वेरी सॉरी,
हमारी किसी टीम में किसी बंदे ने एक्सक्यूज बनाया नहीं बनाया ऑर्थर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये एक बिलैटरल सीरीज लग रही है, आईसीसी इवेंट नहीं लग रहा क्योंकि दिल दिल पाकिस्तान उन्होंने तो नहीं सुना कहीं पर भी और सारे इंडिया के, बट उन्होंने ये बाद में ऐड किया कि एक्सक्यूज नहीं है बट स्टिल आईसीसी का इवेंट है तो दोनों टीम्स के तराने चलाए जाने चाहिए। आई थिंक जब किसी ने नहीं बनाया ना एक्सक्यूज तो ये सिर्फ हम एक बात कर रहे हैं ना, आई पर्सनली थिंक यू नो लाइक सम टाइम वी मेक थिंग्स, हम इश्यूज बनाते हैं, अगर ये इशू नहीं है हमारी किसी प्लेयर ने नहीं किया देन इट्स ओके देन इट्स फाइन। आई मीन हमारा ये कंसर्न जो है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि जो उनकी पब्लिक है जो ग्राउंड में बैठी है वो ऐसा कोई लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे जो मैं बार बार जिससे डिसरिस्पेक्ट हो, जिसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो, आपके मुल्क को ऐसा कोई नाम नहीं लेना चाहिए जिसमें रेसिज्म हो, हुआ था ऐसी कुछ हुआ था। ये अगर ये किया तो ये वेरी बैड, दैट्स अ वेरी वेरी बैड। वो हम लोग यहाँ मैच जीते थे जब 2005 में तो उस टाइम भी वो यही बोल रहे थे, एक लफ्ज है वो हम नहीं बोल सकते यहाँ, लेकिन एज ए कंट्रीज आप नहीं ये बातें कर सकते, आप किसी दूसरे मुल्क को ये बोल रहे हो या गालियां दे रहे हो ये नहीं करना चाहिए। बट ये देखें ये स्टेडियम अथॉरिटीज जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज हमने अभी जब यूएई में भी देखा था अफगानिस्तान के फैंस ने बहुत ज्यादा जो है वो शोर मचाया था, आई डोंट रिमेम्बर अफगानिस्तान का मैच किसके साथ था, बट अफगानिस्तान हार गया था कुर्सियां भी तोड़ी और वर्ल्ड कप का जब वहाब ने और अहमद वसीम ने वो पार्टनरशिप लगा के जो है आई वाज देयर एक्चुअली और वो लीड्स में इनकी इतनी लड़ाई हुई थी, अभी पिछले साल भी हुआ हाँ ये पिछले साल यूएई में भी हुआ है पिछले साल, जिनको डिपोर्ट कर दिया गया उन लड़कों को, वो जो जिन जिन की शक्लें दिखी थी दे वर डिपोर्टेड फ्रॉम यूएई, ये पिछले साल यूएई में भी हुआ है। तो मेरा ख्याल से जो वहाँ कंसर्न अथॉरिटीज हैं दे शुड, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो हैं हर जगह कि कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं करना है, कोई रिलीजियस कमेंट नहीं करना है, यू आर नॉट अलाउड टू डू सच थिंग्स, इवन कोई किसी पार्टी के झंडे नहीं लाने। मगर कल वहाँ पे बहुत सारे प्ले कार्ड्स ऐसे थे जो कि उन रूल्स एंड रेगुलेशन से हट के थे, बट इवन देन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज एंड नो वी आर नॉट यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज, दिस इज जस्ट अ डिस्कशन दैट व्हाट हैपेंड देयर। बट फिर मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ दैट दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, तीसरा मैच वर्ल्ड कप का, टीम पाकिस्तान इतनी मुश्किलात से गुजर गई है कि अब बाकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी अगर क्राउड की तरफ से प्रेशर हुआ कहीं। आई थिंक यूज टू डेफिनेटली हो जाता है बंदा, यू नो दिस इज लास्ट, जो कल की गेम थी ये मैक्सिमम फेलियर था, अल्लाह ना करे इससे कोई हमसे वर्स्ट हम परफॉर्मेंस कर सके। हमारे लड़के इतने अच्छे हैं कि वो यू नो दे कैन गिव एनी बडी कम्पिटिशन, मगर वो जो आप बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ये आईसीसी का मैच है, ये आईसीसी को देखना चाहिए, हमारा काम नहीं है। आईसीसी ओवरऑल देखे जाए तो हरासमेंट के ऊपर और पता नहीं क्या क्या रेसिज्म के ऊपर बहुत स्टेप लेता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, यू नो ये स्पोर्ट्स को हम क्लीन करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से हमें एक ब्रांड बना के जिसको कहते हैं कि जो लोगों को इकट्ठा करने की एक एक्सक्यूज होता है स्पोर्ट्स, ये एग्जैक्टली एंड उसको हैविंग सेड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आईसीसी जंप इन टू इट और ये स्टेटमेंट दे, अगर स्टेटमेंट नहीं दे सकता तो एटलीस्ट यू नो कहीं ना कहीं ये बात करे कि कहीं भी क्राउड हो पाकिस्तान के जो मैचेस हों, वी विल रिक्वेस्ट इंडियन क्राउड कि जी आप ऐसी कोई बात ना करें जिसके उनकी कंट्री को और उनको उनके इमोशंस को आप हर्ट नहीं कर सकते। इंडिविजुअल आप किसी को छेड़ें जो मर्जी करें आप, जो आपकी मर्जी है, यू हुट यू नो ये गेम का एक फन भी है। आप कई दफ़ा हम ग्राउंड में खड़े होते हैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे होते हैं और कई दफ़ा कई ग्राउंडों में यकीन करिएगा कि बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लैंड में मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था और मैं अपना बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग कर रहा था थर्ड मैन के ऊपर, तो पीछे से कुछ गोरे थे दे वर ड्रंक ठीक है और वो अब्यूज़ कर रहे थे मुझे यू नो लाइक एक्सट्रीमस रिलीजियस मुस्लिम और वट एवर ठीक है, मुझे बहुत ऐसा कर रहे थे। अच्छा जो हमारा कप्तान था उस तक स्लिप में ये आवाज़ पहुँच गई, वो ही केम ऑल द वे टू मी और आके मुझे कहता है कि मुशी आई थिंक यू शुड मूव फ्रॉम दिस एंड वी कैन ब्रिंग यू इन द सर्कल, आपको सर्कल में आ जाओ। मैंने कहा इट्स ओके मैन, इफ आई कैन नॉट हैंडल दैट इट मींस आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, दिस इज अ हाई प्रेशर जॉब ऑफ कोर्स। मैंने कहा अल्लाह जानता है क्योंकि ये हमारा दीन भी सिखाता है ना, ये दीन ने हमें मजबूत किया इस बात पे कि आपने एक गलत बंदा बात करा आपने उसके गलत बात के ऊपर गलत बात नहीं करनी और उसको जीतना अपने एटीट्यूड से। आई कीप स्माइलिंग देम एक्चुअली, हसन अली के ऊपर पेपर प्लेन्स फेंके गए हैं वो भी थर्ड मैन पे, थर्ड मैन पे मैं आगे से मुस्कुरा रहा था, इंग्लैंड की बात बता रहा हूँ, आगे से मुस्कुरा रहा था। 10 मिनट के बाद 3-4 ओवरों के बाद दे बिकम लाइक मी जो इर्द गिर्द वाले सेंसिबल लोग थे ना, दे वर थिंकिंग यू नो दिस इज अ वेरी बैड थिंग व्हाट आवर नेशन इज डूइंग इट,
समटाइम ये इनको इनके कॉन्सिक्वेंसेज इनको खुद ही पता चलेगा इसका. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, ये जो आपने बात आखिरी की है मैं बिल्कुल ये एडअप करना चाहती हूँ, क्योंकि हम स्टेरियोटाइप तो सबको कर नहीं सकते. ऑब्वियसली 130,000 बंदा था, वो 130,000 बंदा ये सब नहीं कर रहा था, बिकॉज ये सब कुछ जो हुआ बहुत सारे लोगों ने दे केम अप टू द ट्विटर एंड दे अपोलोजाइज्ड फ्रॉम पाकिस्तान टीम दैट वी अपोलोजाइज के अहमदाबाद हैज मिसट्रीटेड यू दैट. So which is like, हम वही कहते हैं ना, एक साथ इसीलिए चल रही है अभी तक दुनिया की अच्छाई बुराई एक साथ है. अगर कोई इस तरह कर रहा है तो वी कैन नॉट स्टेरियोटाइप एवरीवन आउट देयर. ये टिल द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक ये हमेशा कामयाबी का एक राज है, एक प्रोसेस है. हमारे नबी ने क्या फरमाया, बेहतरीन बदला माफ करना है. अगर तुम माफ कर दोगे एक ना एक दिन ये गिल्टी जरूर फील करता है बंदा कि आई वॉज रॉन्ग. बट अगर इफ यू बिकम लाइक देम, what is the difference between you and that guy is abusing you. Bilkul. So we have to be brave, we have to be broad minded. Aur kahe tum do galiyan, hum performance karke jeetenge. Main bilkul ye excuse nahi hona, performance ko isse relate nahi karna chahiye. Bas ye point of view.